वाली खबरों पर। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भारत में सभी जगहों पर लॉकडाउन कर दिया है। वहीं रेणुकूट में लॉकडाउन को देखते हुए हमारे संवाददाता सुशील कुमार गुप्ता ने रेणुकूट में जायजा लिया और क्षेत्र के सीओ से लॉकडाउन के बारे में चर्चा की। बता दें कि रेणुकूट में सभी पुलिस कर्मियों ने अपनी अपनी जगहों पर ड्यूटी के दौरान अपने दोनों हाथों को साफ करते हुए दिखाया और रेणुकूट शहर में सुरक्षा के प्रति तत्पर दिखे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुशील गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र रेणुकूट में हूँ, जहाँ पे आपको दिखा दें कि लॉकडाउन का पहला दिन खत्म हुआ, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का रेणुकूट जनपद में। आपको बता दें यहाँ के हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ की थोड़ा सा दिखाएं लॉकडाउन दूसरे दिन का, यहाँ क्या परिस्थिति है, प्रशासन द्वारा क्या नियम का पालन किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा, लोगों को घर घर में जाने के लिए बोला जा रहा है कि वो अपने घर में रहें। सर, कल जनपद सोनभद्र रेणुकूट में कल लॉकडाउन का पहला दिन कैसा रहा यहाँ का व्यवस्था? कल जो है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशों से जो पूरे प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है, उसी क्रम में कल कस्बा रेणुकूट में भी लॉकडाउन कराया गया जो है और सभी लोगों ने इसका पालन किया जो है, जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है जो है, नगर पंचायत की तरफ से जो है उनको डोर टू डोर पहुँचाया जाए, जैसे सब्जी है, फल है, जो राशन के सामान है, और आज मेडिकल स्टोर की दुकानें भी खुलवाई है जो है 8 से 2 के बीच में खुलेंगी जो है, और स्थिति सामान्य रही जो है, सभी लोग पालन कर रहे हैं, लगभग 50 लोग जो है हम लोग को सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था से चल रही है। सर, आज की दूसरा दिन है लॉकडाउन का, आज की कैसी व्यवस्था रहेगी सरकार के द्वारा? आज की व्यवस्था कल ही जैसी रहेगी जो है, अभी देखिए हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं लोग बाहर ना निकले जो है, जिसको बहुत इमरजेंसी ना हो जो है, यदि किसी को बहुत आवश्यक कार्य तभी बाहर निकले जो है और हमारा सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें जो है, क्योंकि इस बीमारी पर नियंत्रण का एक ही उपाय है कि लोग जो है अपने घरों में रहें जो है, बाहर ना निकले जो है। समदड़ी क्षेत्र भमरों का लॉकडाउन के बावजूद भी लोग घूमते नजर आए, इसमें पुलिस प्रशासन, लोकल सामुदायिक चिकित्सा कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे, जिसमें सरपंच गोपाराम पटेल, पंचायत सहायक मंगलाराम, प्रजापत विकास अधिकारी तेजाराम माली चायता में लगे हुए हैं। भारत में कोरोना से जीतने के लिए लॉकडाउन की अपील की गई, इसी बीच जरूरतमंदों के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग सेवा कार्य भी कर रहे हैं, उन तक खाने पीने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए भामाशाह भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कई लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी राशि जमा करवा रहे हैं ताकि प्रदेश भर में कोई भी व्यक्ति भूख प्यास से व्याकुल ना हो। इस महामारी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम भी दिन रात एक करके उपचार में लगी हुई है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैतान सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें, आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।